एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल दी होलसम हलवाई। तो अभी दिवाली आने वाला है, कुछ ही दिनों में है। तो दिवाली के टाइम पे बहुत सारी मिठाइयाँ और बहुत सारे स्नैक्स बनाए जाते हैं घरों में, और हमारे यहाँ नॉर्थ साइड में यूपी में बहुत सारी चीज़ें बनाई जाती हैं। मतलब पाँच से छः प्रकार की मिठाइयाँ बनाई जाती हैं, बहुत सारे स्नैक्स बनाए जाते हैं। तो आज हम लोग उसी में से एक स्नैक्स बनाने वाले हैं। ये हमारा बेसन की पपड़ी होती है, बेसन की पपड़ियाँ बोलते हैं हम इसको, और ये बहुत ही क्रंची होती है खाने में। ये मुंह में डालते हो तो अच्छी आवाज़ आती है कि हाँ कुछ खा रहे हो आप। तो इसमें हमें ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, बहुत ही कम चीज़ें चाहिए रहती हैं। तो मैंने यहाँ पे एक कटोरी बेसन लिया है, ये मैंने थोड़ा सा अजवाइन लिया। अजवाइन क्या होता है, अजवाइन कोई भी क्रंची चीज़ होती है तो उसमें एक अच्छा फ्लेवर देता है। ये मैंने थोड़ा सा वाइट तिल लिया है, यहाँ पे ब्लैक तिल भी, जो भी आपको तिल डालना हो डाल सकते हैं। ये मैंने थोड़ा सा ऑयल लिया है जिसको हम बेसन गूंथते टाइम यूज़ करेंगे, और बाकी सारे हमारे मसाले रहेंगे। सबसे पहले हम बेसन गूंथते हैं, इसके लिए मैंने एक बड़ा बोल लिया हुआ है। आप इसमें क्या करेंगे, सारा बेसन डाल दें। बेसन के बाद हम इसमें क्या करेंगे, हमने जो ये जो अजमाइन लिया था इसको आप हल्के से हाथों से थोड़ा क्रश करके डाल दें। ये बहुत ही अच्छा खुशबू देने वाला है, आप इसको अच्छे से क्रश कर दें। और ये गया हमारा अजमाइन। अभी इसमें हम थोड़ा सा ये वाइट तिल डाल देंगे। आप ब्लैक तिल भी डाल सकते हो अगर आपको कोई ब्लैक तिल डालना है, दोनों में से कोई भी डाल सकते हो। मेरे पास ब्लैक तिल नहीं था। और अभी हम इसको अच्छे से मिला देंगे। अभी हमारा इसमें जाएगा नमक, स्वाद के अनुसार आपको जितना भी नमक चाहिए हो आप उतना नमक डाल दें। आप इसमें अगर आपको कलर देना है तो आप इसमें हल्दा सा हल्दी पाउडर डाल सकते हो। आप अगर आपको थोड़ा सा नमकीन भी रखना है तो आप हल्का सा लाल मिर्च पाउडर भी डाल दें, जिससे कि ये ना बहुत ही अच्छा नमकीन सा एक अच्छा मिर्च का भी और सारा फ्लेवर आया। अच्छे से इसको मिला दें। अभी हम क्या करेंगे, इसमें ये मैंने लगभग 2 से 3 टेबल स्पून के आसपास ऑयल लिया था। अभी हम इसको ऑयल के साथ अच्छे से मिला देंगे। अभी हम इसमें अपना हाथ यूज करते हैं, तो इसको अच्छे से आप मिला लें ऑयल के साथ। तो देखिए हमारे लड्डू सा बनने लगा है। ऑयल क्या होता है कि ये अंदर से बहुत ही मैदे को सॉफ्ट, बेसन को बहुत सॉफ्ट कर देता है, क्योंकि बेसन बहुत इसको बेलते टाइम बहुत ही मुश्किल होती है, बहुत ही टाइट होता है। तो आपको इसको बहुत ही टाइट आटा गूंदना है, इसका बिल्कुल भी पतला नहीं गूंदना है, बहुत ही टाइट। अब हम क्या करेंगे, थोड़ा थोड़ा पानी डाल डाल के इसका एक बहुत ही टाइट डो बना लेंगे। अगर आप पतला बनाओगे ना तो आपको बेल नहीं पाओगे। तो मैंने इसको अच्छे से गूंद लिया है, देखिए अब एक हमारा टाइट अच्छा सा डो बन गया है। अभी हम क्या करते हैं, इसमें थोड़ा सा ऊपर से ऑयल लगा देते हैं, थोड़ा सा ऑयल लगा के अच्छे से हम इसमें पूरे ग्रीस ऑयल लगा देंगे ऊपर से। और अभी हम इसको लगभग 10 मिनट के लिए ऐसे ही छोड़ देंगे। तो ये हमने यहाँ पे अपना बेसन लिया है, बेसन का जो आटा था। अभी हम इसको क्या करते हैं, एक बार अच्छे से और गूंद लेते हैं। हमने इसको लगभग 10 से 15 मिनट के लिए रखा हुआ था, तो आप इसको अच्छे से कर लें। तो अभी हम इसकी दो लोई बना लेंगे, लोई ले लेंगे एक, और इसको आप अच्छे से कर लें। अब इस पर थोड़ा सा तेल लगा लें, क्योंकि ये बहुत टाइट होता है, तो इसमें आपको बेलने में आसानी रहेगी। और आप इसको बहुत ही हल्के हल्के हाथों से बेलें। इसको आप ना बहुत टाइट होता है तो इसमें आप थोड़ा सा तेल लगाएं, या फिर क्योंकि आटा अगर हमारा ज़्यादा पतला होगा ना तो इसको हमें बेलने में दिक्कत होगी। आप देख लो, आप इसको अच्छे से आपको बेलना है, इतना काफ़ी है हमारा। बस आपको ज़्यादा पतला भी नहीं करना है, ज़्यादा मोटा भी नहीं रहना चाहिए, इस कंसिस्टेंसी के हिसाब का आपका रहना चाहिए। तो देख लो ये हमने बेल लिया है। अभी हम क्या करते हैं, अगर आपके पास छोटी सी कोई कटोरी है तो उससे, नहीं तो आप, मैंने एक ही ढक्कन लिया हुआ है, मैं इससे छोटे छोटे शेप के अच्छे से दबा दबा के इसको काट लूँगा। देखिए तो आपके एक उसमें जितने बन सकते हैं आप बना लीजिए, आप इसको अच्छे से काट लें। तो ये हमारे 5 इसमें बन गए। तो ये हमारी 5 पकड़ियाँ इसमें बन गई हैं शेप का। आप कोई भी शेप दे सकते हो इनको। और अभी हम क्या करेंगे, इनको ये जो एक्स्ट्रा हमारा है इसको हम निकाल लेंगे बाहर, और आप इसको वापस से बेल सकते हो। ये देखिए
इसको हम क्या कर सकते हैं, इसको भी आप तोड़ तोड़ के इसको भी सेक सकते हो, बट इसको अगर आप हम बेल लेंगे वापस से, तो ये देखिए हमारी ये छोटी छोटी पपड़ियाँ बन तैयार हो गई। तो अभी हम क्या करेंगे, इनको अभी हम अपने एक प्लेट में निकाल लेंगे। और इसी तरीके से हम बाकी को भी बना के सारी पपड़ियाँ अपनी तैयार कर लेंगे। तो मैंने ये अपने अपना यहाँ पे दूसरा भी बेल लिया है। अभी हम क्या करते हैं, इसको भी अच्छे से काट लेते हैं। तो इसमें हमारी देखिए ज़्यादा बन जाती हैं, तो आपको आप जितना भी बड़ा बेल सकते हो उतनी बड़ी आप लोई लेके इसको बेल लीजिए। और देख लो आप इसका साइज कुछ भी कर सकते हो, छोटा बड़ा जिस साइज का भी आपको चाहिए। तो देखिए आप हमारी इसमें बहुत ज़्यादा बन गई है, ये देखिए। तो इसको हम आराम से अपना निकाल लेंगे। तो ये देखिए ये हमारी पपड़ियाँ यहाँ पे तैयार हो गई हैं, ये देखिए। देख रहे हो आपकी इस मोटाई का आपका रहना चाहिए, ज़्यादा ना मोटी ना पतली। और अभी हम इसको सारा तैयार कर लेते हैं अच्छे से, और फिर हम इनको सेकते हैं इस तरीके से। तो ये हमारी यहाँ पे सारी पपड़ियाँ तैयार हो गई हैं, और अभी हम क्या करते हैं, इनको हम सेक लेते हैं। तो आप देख रहे हो इसमें सफ़ेद और काला जो अजवाइन डाला है दोनों अच्छे से कलर निकल के आ रहा है। तो अभी हम क्या करते हैं, इनको सेक लेते हैं। बगल में एक तेल गर्म करने के लिए रखा हुआ था, और तेल हमारा अच्छे से गर्म हो गया। अभी हम क्या करते हैं, एक एक पपड़िया इसमें अच्छे से हम डाल के फ्राई कर लेते हैं, ये देखिए। तो हम इसमें अच्छे से पपड़ियाँ और इसको आप दोनों तरफ से अच्छे से पलट पलट के, अब इसको अच्छे से पलटते जाएं और ये फूलेंगी भी हमारी। तो आप देखिए, ये देखिए हमारा एक अच्छा सा कलर आ गया है पपड़ियों के ऊपर, देखिए। तो अभी हम क्या करते हैं, सारी पपड़ियों को हम अच्छे से निकाल लेते हैं, और इसी तरीके से हम इतना ही कर करके हम सारी पपड़ियाँ भी अपनी सेक लेंगे। तो ये मैंने बाकी की पपड़ियाँ डाल दी थी, देखिए आप इसको देखिए कितनी अच्छी फूली हैं ये पपड़ियाँ, देखिए। और ये हमारी ऑलमोस्ट हो गई हैं। तो अभी हम क्या करते हैं, इनको भी निकाल लेते हैं। अपनी गैस की फ्लेम को आप यहाँ पे ऑफ कर दें, और अभी हम क्या करते हैं, इनको भी निकाल लेते हैं। और ये हमारी यहाँ पपड़ियाँ तैयार है। तो ये गई हमारी पापड़ी, देखिए आप देख रहे हो, ये देखिए पापड़ी कितना अच्छे से फूल गई है, और ये बहुत ही बसी होने वाली है। और इसको हम सर्व करने वाले हैं अपना दही के साथ। तो आप इसको केचप के साथ, मायोनीज के साथ, किसी के साथ भी खा सकते हो। जो दही पापड़ी एक होता है ना, एक अच्छा कॉम्बिनेशन होता है। दही के साथ पापड़ी खाना बहुत ही अच्छा लगता है, और बहुत ही क्रंची भी है। तो बहुत ही क्रंची है, देख रहे हो आप, देखो बहुत ही क्रंची है। तो अभी हम क्या करेंगे, ये हमारा सर्व हो गया, इसको दही के साथ हम खाने वाले हैं। तो आप जाइए जल्दी से इसको बनाइए जाके, दिवाली का स्नैक्स है ये, बहुत ज़्यादा लोग पसंद करते हैं, क्योंकि नमकीन कुछ भी रहता है लोग पसंद करते हैं। तो जाइए बनाइए जाके, और अपने घर वालों को खिलाइए। तब तक के लिए हैप्पी दिवाली इन एडवांस, खुश रहिए, ये दिवाली आपकी बहुत अच्छी रहे, सबको खुशियों से भर दे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इस पर लाइक करें इस वीडियो को, और इसको अपने दोस्तों के साथ, फैमिली के साथ, किसी के साथ भी शेयर करें। और इसमें अगर आपको कुछ भी कमेंट्स देने हैं नेक्स्ट वीडियो को लेके, या फिर इस वीडियो को लेके, प्लीज़ आप अपने इसमें कमेंट करें। और फाइनल सबसे ज़्यादा ज़रूरी, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मैंने अपने डिस्क्रिप्शन में अपने फेसबुक और इंस्टा पेज का लिंक दिया हुआ है, प्लीज़ जाएं वहाँ पे फॉलो करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।